बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 बजट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं लेकर आऊँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 10,000 यानी कि अंडर 10,000 मिलने वाले हैं इंडिया के अंदर। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि हर एक यूजर के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का जो सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि नंबर 3 पर आता है, उस स्मार्टफोन का नाम है Realme Narzo 30A। दोस्तों, 9,999 रुपए का स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का मिलता है, बैक में कैमरा ड्यूअल सेटअप मिलता है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दमदार प्रोसेसर है अंडर 10,000 बजट के अंदर। और Android 10 पर ही स्मार्टफोन बेस है। 4GB रैम मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर, 64 यानी कि 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि काफ़ी सही है अंडर 10,000 बजट के अंदर। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक है। 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है यानी कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैसिव साइज की बैटरी मिलती है स्मार्टफोन के अंदर। और साथ ही साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जो कि आजकल नॉर्मली हो गया है। स्मार्टफोन के मैं वेट की बात करूँ तो 250 ग्राम का लगभग स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है इसकी बैटरी को देखते हुए, क्योंकि बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और बैटरी का ही वजन होता है ज़्यादातर स्मार्टफोन के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है नंबर 2 पर, जिस स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi 9 Prime। तो 6.53 इंच का डिसेंट साइज का डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD डिस्प्ले मिलता है स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन के अंदर आपको कोरबिन गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है यानी कि स्मार्टफोन के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ग्लास फ्रंट प्लास्टिक बैक है। MediaTek Helio का G80 प्रोसेसर है यानी कि स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर थोड़ा सा डिसेंट है। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन से दूर रहिएगा। आपको इस लिस्ट में आगे और स्मार्टफोन बताऊंगा, उन स्मार्टफोन की तरफ चले जाइएगा। एंड्रॉइड 10 पर ये स्मार्टफोन आता है, MIUI 11 पर ये ऑपरेट करता है। 8GB रैम मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, प्लस 8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए सेकंड सेंसर है, थर्ड सेंसर है मैक्रो लेंस 5 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है वो है 4 और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर रियर में। 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। दोस्तों, स्मार्टफोन का जो वेट है वो है लगभग 198 ग्राम्स, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हाथों में फील नहीं होने वाला है। 4500mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन आते हैं उनका यूजुअली वेट होता है 175-180 ग्राम्स। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बड़ी बैटरी है तो यानी कि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ जो कि वन ऑफ माई फेवरेट स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का नाम है Infinix Hot 10S। तो 6.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, IPS LCD होने वाला है 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि ये जो फास्ट रिफ्रेश रेट है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा देता है स्मार्टफोन के। बाकी सब में आपको 60 का रिफ्रेश रेट मिलता था, इसके अंदर 90 का मिलता है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको मज़ा आने वाला है और स्क्रीन रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है आपको फील होगा इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए। MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलता है यानी कि प्रोसेसर में भी कोई कमी नहीं है अंडर 10,000 देखा जाए तो। 4GB रैम मिल जाती है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसके अंदर ड्यूअल बैक में कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है दोस्तों अंडर 10,000 बजट। फ्रंट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और दोस्तों फ्रंट कैमरा मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे 48 वाला जो है दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। अगर यह स्मार्टफोन की बैटरी की तो 6000mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है। 11 पर ये स्मार्टफोन बेस है और दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अभी के अभी कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई बोनस स्मार्टफोन। दोस्तों, स्मार्टफोन का नाम है Redmi 9 Power। 6.53 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर, 2GB रैम मिलती है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। स्मार्टफोन की जो सबसे खास बात है वो है इसका प्रोसेसर और कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल का 4 कैमरा का सेटअप मिलता है यानी कि क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा बैक में स्मार्टफोन के अंदर, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको फ्रंट कैमरा जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। इस स्मार्टफोन के अंदर एक दमदार प्रोसेसर लगाया जो कि 10,000 के अंडर आता है, Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर है स्मार्टफोन के अंदर।
एंड्रॉइड 10 पर ही स्मार्टफोन आता है, MIUI 12 पर ही स्मार्टफोन बेस्ड है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और रिवर्स चार्जिंग भी है 2.5 वोल्ट का। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा क्विक है, यानी कि सच में काफी ज्यादा क्विक है। दोस्तों बात करिए स्मार्टफोन की प्राइस की, वैसे तो स्मार्टफोन का प्राइस 10,999 रुपये है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के चलते इसे 10,200 या 10,000 के अराउंड ले पाएंगे, अंडर 10,000 भी ले पाएंगे। दोस्तों स्मार्टफोन हर यूजर के लिए दमदार है, आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं, आपको फोटोज निकालना पसंद है तो आप अच्छे अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं स्मार्टफोन के जरिए। अगर दोस्तों आप परफेक्टली गेमिंग करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन और जो नंबर एक पर बताया था इन्फिनिक्स और 10S स्मार्टफोन की तरफ जरूर जाइएगा, दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा दमदार है। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।